You are watching Cooksmart and I am Sanjeev Kapoor. And now it's time to make a steamed food. But look, if the food is steamed, then you don't understand how to make steam. So how are the steaming techniques? And how can the main dish be steamed? Nice and healthy, tasty, delicious. So this is what I have to make for this. This is bean curd. And this is soya paneer. You can grate it for this dish, especially. छोटा छोटा काट भी सकते हैं तो मैं एक काम करता हूं कि इसमें जरा छोटा छोटा इसको काट लेता हूं तो ये मेरे पास ये लीजिए इसके छोटे पीसेस अगर आपको जो सॉफ्ट सिल्कन वाला बीन कर्ड है वो मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा इस रेसिपी के लिए तो ये ले लिया हमने पीस और ले लिया छोटा छोटा काट लिया अच्छा इसे बनाने के लिए एक और चीज चाहिए मुझे और वो है चिकन मिंस तो ये जो चिकन मिंस है इसे थोड़ा मैरिनेट करना है मुझे तो ये चिकन मिंस ले लिया और इसके साथ-साथ इसके अंदर क्या-क्या चीजें डालनी है वो मैं आपको बताता हूं तो ये लेकर इसमें हमें डालना है नमक पहले तो नमक थोड़ा इसके साथ-साथ इसमें हम डालेंगे सोया सॉस डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा कॉर्नस्टार्च और ये डालकर इसमें डलेगा एक अंडा ये लीजिए तो ये जो सारी चीजें हैं ये डालकर इसे जरा मिक्स कर लेते हैं तो ये इसके अंदर क्या आ गया नमक आ गया सोया सॉस आ गई अंडा आ गया और कॉर्नस्टार्च आ गया तो ये सारी चीजें इसके अंदर जरा मिक्स हो गया बढ़िया से मिक्स कर दिया और ये बड़ी सिंपल सी डिश बनती है लेकिन बनती बहुत जबरदस्त है तो देखते हैं कैसे बनेगी ये चलिए इसको चिकन को थोड़ी सी देर तक रख देते हैं हम और अब इसमें यहां पर ये मैंने लिया है पैन इसके अंदर पानी और ये स्टीमिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पानी बस इस तरह से और ये मेरे पास है एक बैम्बू की बास्केट ये बाजार में मिल जाती है और इसमें मैंने कुछ केले के पत्ते लगाए हैं ये इसलिए ताकि इसमें जो पानी है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आए स्टीम आए धीरे-धीरे स्टीम आएगी इसमें से जब ये स्टीम बनेगी तब इसमें आएगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हीट चाहिए स्टीम चाहिए और फिर इसको तैयार करेंगे और ये अब जो हमें तैयार करना है उसमें क्या करेंगे ये देखिए ये हमारे पास है चिकन का कीमा और फिर ये जो बर्तन है हमारे पास ये देखिए ये मैंने इस तरह से लिया है कि ये बर्तन ढक्कन बंद हो जाए ये हमारे पास में बीन कर्ड और बीन कर्ड जो है वो पहले हमने नीचे डाल दिया आधा नीचे डाल दिया बाकी बचा लिया और फिर ये हमारे पास है चिकन का कीमा इसके ऊपर चिकन का कीमा जिसमें बाकी सारी चीजें हमने डाली हुई थी वो इसके अंदर और फिर ये हमारे पास जो हमने लिया बीन कर्ड ये एक बार फिर इसमें और कुछ थोड़ी सी ये ब्रोकली इसमें और ब्रोकली से इसको भर देते हैं इसके साथ-साथ इसमें हमें चाहिए सेसमी ऑयल तो ये सेसमी ऑयल इसके ऊपर ये तिल का तेल और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक क्योंकि ये जो हमारे पास है इसमें नमक ब्रोकली के हिसाब से सोया के हिसाब से थोड़ा सा पेपर अब देखिए कि क्या मजेदार चीज बन रही है ये हमारी बास्केट इसके अंदर ये स्टीम करने के लिए इसके अंदर और अब ये इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन और इसको पकने देते हैं
आप चाहें तो इसके ऊपर भी ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पानी उबलेगा, इसकी जो स्टीम बनेगी इसके बैम्बू स्टीमर के अंदर जाएगी, उससे चिकन भी पकेगा, उसके साथ साथ ब्रोकली भी पकेगी, और जो बीन कर्ड है उसको पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एकदम बढ़िया बबलिंग हॉट हो जाएगा, और सारी चीजें इकट्ठी जब आप इसको सर्व करते हैं, खाते हैं, तो बड़ी मजेदार डिश बनती है। ये जो बन रहा है टेस्टी भी है, डिलिशियस भी है, नया भी है, बनाने में भी आसान है, मतलब सारे मार्क्स इसको ही मिलेंगे। देखें, वाह, लुक एट दिस, क्या बढ़िया से ये तैयार हो रहा है। बस इसे पकने देते हैं थोड़ी देर तक। इसको पकने में करीब 15 से 20 मिनट तक लगेंगे, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि इसमें जो पानी है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम हो रहा है तो पानी आप यहाँ पर और डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से स्टीम होने दें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो चिकन है वो कहीं से भी कच्चा रह जाए। तो चिकन बढ़िया से पकेगा, आराम से गर्मा गर्म पक कर फिर तैयार, और इसी तरह से ये बोल आप सर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको निकालेंगे उसमें से स्टीम निकलेगी, और बस टेस्टी तो है ही। जरा इसको देखते हैं, वाह क्या बात है, क्या रंग है इसका, और इसको ये देखिए, अभी जो चिकन है ये अंदर से थोड़ा पकना बाकी है, किनारों से तो पक गया है क्योंकि किनारे में हीट इसकी लग रही है, और बाकी जो है बस अभी थोड़ी देर में ये पक जाएगा। इसी तरह से इसको पकने दें, और इसको सर्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो इसी तरह से इस बोल के अंदर सर्व करें, और ये जो बोल है ये भी रहना चाहिए इसके अंदर, और टेबल पर ये स्टीमर निकाल कर आप रखें और इस बोल में से फिर खाना निकालें। जी हाँ, सर्व करने के लिए ये स्टीमर बहुत जरूरी, इसी तरह सर्व कीजिए, फिर खाइए गर्मा गर्म, ढक्कन उसी समय खोलें जब आपने इसको सर्व करना हो।